एक सत्कारयोग शख्सियत लाला मस्तराम टंडन बीते दिनी परमात्मा पासों बख्शी अपने स्वासां दी पूंजी नूं खर्चदे होए पंजां तत्तां विच लीन हो गए। लाला मस्तराम टंडन अपने पिछे अपने परिवार विच पुत्र श्री गगन मोहन टंडन, डॉक्टर सर्व मोहन टंडन, नूहा रीता टंडन, डॉक्टर सिमी टंडन, भरजाई राजरानी टंडन, पुत्रियां डॉक्टर परवीन, तरुणा, सुमन सैगल, कौंसलर जलंधर, जवाई डॉक्टर अश्विनी केसर, सुनील मैनी, इंदर सिंह सैगल, पोते आशीष टंडन, पारस टंडन, पोत्रियां वृति, डॉक्टर रूपाली, सुरभि, इंजीनियर दिव्या, दोहते डॉक्टर विवेक, डॉक्टर वरुण राघव नूं छड गए। इन्हां दे परिवार वल्लों इन्हां दी आत्मिक शांति वास्ते रखे गए श्री गरुड़ पुराण पाठ दे भोग करवर रिजोर्ट नजदीक MR इंटरनेशनल स्कूल हुशियारपुर रोड आदमपुर विखे पाए गए ते अंतिम अरदास भी करवाई गई। Thank you.
अपने अपने कर्मों के अनुसार यहाँ पर होता है। जैसे उसने पिछले जन्म में कर्म किए होते हैं उसी प्रकार यहाँ सुख दुख लाभ हानि इज्जत मान सब प्राप्त होता है। वह प्राणी सुखी है जिसका परिवार, जिसके बच्चे, जिसकी स्त्री वो आज्ञाकारी है और साथ देने वाली है। वह प्राणी इस संसार में सब प्रकार का सुख भोग लेता है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम सब मिलकर उनकी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पण कर अपने अपने इष्ट देव, अपने गुरु जिसको हम मानते हैं, जैसे भगवान एक है, नाम अलग अलग है, उसको याद करके एक मिनट का मौन धारण करके उस आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पण करें और फिर गायत्री मंत्र का 3 बार जाप करें, जिससे जो है प्राणी की संगति हो। बोल किया पति राम चंद्र महाराज की जय, हो जाता है। इस रुद्रवर के अंदर 5 महादान कहे गए हैं। प्राणी के इस जन्म में सुख के लिए और इनको सब प्राप्त हुआ, पीड़ा नदी उसके पुत्रों ने कराया, गति कराया, अन्नदान यहाँ लंगर लगा हुआ है, भगवान अन्नदान हो रहा है, जिसकी कृपा से हम सुखी रहते हैं। अपने श्री गरुण प्राण जी की हाजिरी के बीच बैठे हैं महापुरुष जो स्टेज से बैठे हुए थे और देवियों और सज्जनों, एक शख्स जिसे छी एक नेक सज्जन पुरुष और दृढ़ निश्चय वाले गंगा जमुना की तरह शांत और निर्बल स्वभाव वाले, कभी किसी नाल ऊंचा नीचा बोलते नहीं देखा, बहुत ही सज्जन पुरुष उसका देखते ही आता है कि सारे इलाके तो सारे पंच सरपंच सारे अफसर साहबान पुलिस महकमे तो भी और बीबी श्रीधर जी जो साढ़े इलाके के उत्ते रहमत का साया है, उन्हों का पीरिया पैगंबर का हजरत बाबा शाह कमाल जी देवंश साईं जुगेश है। अजब राह है दोस्तों, बस निशान पर निशान है बनी जा रही है, याद रहती कयामत तलक दास्तां, याद रहती कयामत तलक दास्तां, ये अलग है निशान खुद रहे ना रहे। जिंदगी किश्तियों में सिमटी हुई हुई, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है इलाके के धर्म गुरुओं के साथ इनके अलग ही तरह के संबंध में, जैसे जयपुर वाले महाराज जी के साथ वह बल्ला वाले संतों के साथ इनका विशेष त्याग। लाला जी अपने आप में ही एक समाज सेवी संस्था थे, उनके पुत्र ने शहर आदिपुर में 1955-1995 लायंस क्लब द्वारा को स्थापित किया, जो आज भी समाज बहुत अच्छी तरह से इनकी सेवा कर रही है। लाला बसराम टंडन जी जैसे ऐसी लंबी सांस परिवार के पीछे कभी 45 बरे 50 बरे कहते मेरे साथ कहते 50 बरे साड़ी इस्तान परिवार चली है आदमपुर की, जिथे जिथे भी साझा व्यापार से किसी ने भी पता लगा चौंका चूना भी कटा रखा, व्यापार भी कटा रखे, लेकिन कहते शुक्ल परिवार जो बड़ा होया फिर भी असं आस पास ही है अपने परिवार से। डॉक्टर साहब कहते एक दिन मैंने कहते भी काका मेरे को नहीं हूं बंदा हुकूम कर, मतलब यह नहीं कि वो कर नहीं सकते आर्थिक तौर वो अगे ये जरा काम है वो सौंपना चाहता है अपनी वजह किन्ने कामयाब हो सकते किन्ने दूर दृष्टि वाले सकते कि अपने परिवार को जिथे कारोबार छुपा के गए उसे
इंसानियत की सेवा वास्ते भी उंगली फड़ के ला के गए सन। मैं उन्होंने अपने वालों अपने परिवार वालों उन्होंने श्रद्धा के फुल भेंट करता।